अपनी प्रेम भरी हाजरी हजूर किसी चरणों में प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनात क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कलशानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों बड़भागी, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, याद कराया जा रहा है पता नहीं कब अपना जाप बढ़ा लो, अपने आप को निकाल लो, अगर कहीं फंसे हुए हो तो निकालो अपने आप को, बिल्कुल आजाद हो जाओ इससे पहले कि मौत हमें ले जाए जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती, पहले ही हम तैयार हो। भगवान के इस फरमान को रोज पढ़ लिया करो, खासकर जो 60 से ऊपर हो चुके हैं। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो अवस, असीरे बदन रह के आजाद गए तो इंसान वो योगी ये दिल शाद है। ये आपके भगवान कह रहे हैं, मैं तो याद करवाने वाला हूं, मैं तो आपको रोज याद करवा जाता हूं, हर सुबह हर शाम आपको याद करवाता हूं। भाई तैयारी, एक एक जाने वाला हमें तैयार करके जा रहा है, हमें चेतावनी दे के जा रहा, मैं जा रहा हूं भाई। कमर बांधे हुए चलने को या तब यार बैठे गए, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे गए। बिल्कुल तैयार, और तैयारी मैं करवा रहा हूं आपको, आपके लोक में रहने की तैयारी और परलोक में जाने की तैयारी। भगवान मुझे और तौफीक प्रदान करें, मैं आपकी तैयारी करवाता रहूं लोक परलोक। लोक में निराले बन के रहना इतनी सी बात, कृष्ण कहते हैं रहो दुनिया में पर दुनिया को अपने में न रखना। कंवल के न पत्ते पे ठहरी तरी, संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने में रखना बुरा। वाह, इसी के लिए मुझे भेजा गया है, मैं बाखुशी जीना सिखाऊं गीता के द्वारा, और बाखुशी ये संसार से छोड़ना सिखाऊं। ये दो कर्तव्य मेरे कंधों पे डाले गए हैं। आइएगा, ये प्रसंग चला हुआ है, मन की वो कौन सी सराहनीय एवं आदर्श अवस्था है, ये आदर्श अवस्था जिसका जिक्र कई दिनों से चल रहा है। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, वो कौन सी आदर्श अवस्था है जिसको बना लेने के बाद भगवान खुद कहना चाहते हैं, क्या वही ब्रह्म का वस्ल पाए ना, क्यों क्यों ना मेरे दीदार के काबिल हो जाए, हाय क्यों ना मैं उसके लिए मुंह से बोलता हुआ आऊं। मुंह से बोलता हुआ भगवान आती है, रैम उसकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उसके दिल में बनाता हूं। महाराज जी प्रकट होते हैं उसके अंदर, कल्याण कर देते हैं, हम अधिकारी बने, हम अधिकारी बने, पूरा जोर लगाओ जितनी आप में बुद्धि मन और तन में शक्ति है, इसे बोलते हैं यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कीजिए। पक्षी उतना ही उड़ेगा जितने उसके पर होंगे, हम उतनी साधना करेंगे जितनी भगवान ने हमें तौफीक दी है, समर्थता दी है या क्षमता दी है, उसी के अनुसार हम जुटेंगे। आहा, तो ये वो उस अवस्था का वर्णन हो रहा है। कल कह रहे थे उनमें अहंकार नहीं रहता, उनमें अहमपना नहीं रहता, रह कैसे जब किसी प्राणी को पदार्थ को अपना मानना ही नहीं। ये तो मेरे मालिक की अमानत है, मैंने मांगी है, मेरे भगवान ने मुझे दी है, बस ये बार बार मैंने मांगी है। और भगवान बड़े उदार है, भगवान बड़े समुन्द्र दिल है, सखी दिल है, उन्होंने सखावत में मुझे दी है। वाह, ये बात बड़ी गहरी उतर जानी चाहिए मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये सब कुछ मेरे मालिक का है, ये सब कुछ मेरे प्राणनाथ का, मेरे इष्टदेव का, मेरे अंतर्यामी का, मेरे सर्वव्यापी का, मेरे जगत गुरु का, मेरे सर्वस्व का है, जिसके लिए आपको बार बार पाठ पढ़ा रहा हूं, स्वयं सर्वम
मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। न केवल आप मेरे इष्ट देव है बल्कि सारे देवताओं के इष्ट देव है। देव देव का अर्थ है सब देवताओं के इष्ट देव। और न कोई अनुवाद कर लेना, तर्जमाना करना और गलत। अगर अर्थ का हम अनर्थ कर दें तो आयु व्यर्थ है। अर्थ का अनर्थ और आयु क्या मैंने बोला है? व्यर्थ। अर्थ का अनर्थ और आयु गई व्यर्थ। इसी अर्थ का अनर्थ नहीं करना। त्वमेव सर्वम मम देव देव का अर्थ आप ऐ देवताओं के भी इष्ट देव। आप मेरे तो हो ही, पर आप तो सब देवी देवताओं के इष्ट देव हैं। इसलिए उनके अनुसार एड़ी चोटी का जोर मारा, देखा इंसाफ नहीं हो रहा, फिर रो के कह दिया भगवान आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, पूरा इंसाफ नहीं हो रहा, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी वाणी के साथ, आपके उपदेश के साथ, आपके प्रवचन के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। भगवान बड़े खुश होते हैं जब कोई आप उपदेश के अनुसार अपने जीवन बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है या प्रार्थी होता है, भगवान बड़े खुश होते हैं कि वाह, चूंकि ऐसे प्रार्थना तो कोई कोई करता है, कोई विरला ही मेरी देवियां करती हैं इसके लिए कि मैं आपके उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कार्यों को बना डालू। तो कल अहंकार सुना, उनमें अहंकार नहीं रहता, अंतकरण कैसे बन जाता है? अहंकार रहते अर्थात बिल्कुल नरम अंतकरण, वो बल्कि विनम्र हो जाती है। अहंकार का उल्ट क्या होगा? विनम्रता है। अहंकार का विपरीत अर्थ क्या है? विनम्रता। देवी विनम्रता, विनम्र व्यक्ति भगवान को बड़ी जल्दी खुश कर लेता है, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी वो खुश कर लेगा जो विनम्र हो चुके हैं, झुक चुके हैं। आहा, किसी ने अनुभव करके कहा होगा नीवा होके चलो ए, और नीवे नु रब मिलदा, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, झुक के चल। झुकने वाले को ही, विनम्र को ही भगवान दीदार देती है, खुश हो जाते हैं। आहा, स्वामी जी फरमाया करते थे हर एक अनुभव का बोल भी तो बड़े कमाल का होता है। हाँ हाँ, झुक के रहो, वो देखते नहीं हो आम की टहनी, जितना आम मोटा होता जा रहा है उतनी टहनी ऐंठ नहीं रही, उतनी टहनी झुकती जा रही। ओए ओए ओए, दृष्टांत देखिए कितना अच्छा है महापुरुषों का। टहनी में आम जितना जितना मोटा होता जा रहा है उतनी टहनी सिर झुकाती जा रही है, और भी सिर, और भी सिर, और भी झुका देगी। भगवान तो सर्वसमर्थ है ना। हा, तो दृष्टांत देते हैं महापुरुष, रईदस्तों का रुतबा ले दस्तों से ज्यादा है। वाह, जो बेचारे बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं, सवेरे की है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सवेरे खाने को नहीं है, बिल्कुल ही खाली, कपड़े क्या है? चीथड़े कपड़े भी पहनने को नहीं, अपने तन ढांपने के लिए भी कपड़े नहीं है, ऐसी उनकी हालत हो चुकी है, फिर भी भगवान की भक्ति कमाते हैं, फिर भी भगवान को सिर झुका करके प्रसन्न करना चाहते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है मेरी देवी कि इनका रुतबा जो मुताज है, जिनके पास सवेरे और शाम का कोई भोजन तक भी नहीं, ये रुतबा ले गया करोड़ों पतियों से है, लाखों पति करोड़ों पति से ये आगे निकल गए मेरी भगवती है। जई दस्त बिल्कुल खाली है, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है, अहले दस्त जिनको भगवान ने बहुत कुछ दे रखा, बड़े धनाढ्य हैं, निर्धनों से धनाढ्यों से निर्धन ले गए आगे बाजी। दृष्टांत देखिए क्या देता है, विनम्रता का कितना अच्छा दृष्टांत है मेरे सजनों। जई दस्तों का रुतबा ले दस्तों से ज्यादा है, वो देखो सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है, है सुराही सर झुका देती है जब
पैमाना आता है। खाली गिलास भरी हुई सुराही के नीचे आया, बहन राम राम, राम राम भैया, मैं तो अंदर बाहर से खाली हूं। हां, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है? हां, क्यों नहीं, भरी सराही ने विनम्र झुके हुए आजिज गिलास को भरने के लिए देख लो अपना सर झुका दिया। क्या दृष्टांत दिया है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है, जब खाली प्याला उसके सामने आया, सुराही मुझसे ना रह गया मैं भर देती हूं, जब कोई अंतर बार से अहंकार को खाली करके मेरे कृष्णदेव जी के पास आया, मालक ने मालो माल कर दिया, मालक ने भर दिया। चूंकि मालक का नियम है, जा है कृष्ण, अगर संसार की दौलत नहीं तो उसके पास परमार्थ की भक्ति की दौलत तो है ना। और इस दौलत को रब ने क्या कहा है, जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, परमात्मा करे हम ऐसे ही बने, विनम्र बिल्कुल झुके हुए भगवान के प्रेम और भक्ति में बढ़े हुए। आहा, व्यास जी के अनमोल बोल आपकी झोली में डाल दूं, विद्या ददाति विन्यम, वादी वाह, विद्या ददाति विन्यम, यदि तुम्हें ब्रह्म विद्या मिल रही है तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम्हें ब्रह्म विद्या गीता द्वारा मिल रही है? क्या प्रमाण है मैया और बेटी कि सचमुच मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दे रहा हूं और आप ब्रह्म विद्या ले रही हो या सुन रही हो या पढ़ रही हो, क्या प्रमाण? व्यास जी कहते हैं मैं बताता हूं, यदि आप दिन बदन विनम्र होते जा रहे हैं तो ब्रह्म विद्या आपके अंदर प्रवेश कर रही है। विद्या, हाँ, ब्रह्म विद्या ददाती देती है विनयम, विनम्रता, विद्या ददाती विनयम, तीन शब्द है, कमाल किया व्यास जी ने, विद्या विद्या ब्रह्म विद्या ददाती देती है विनयम, विनम्रता। विद्या अपने पुजारी को विनम्रता भी देती है, झुक जाता है बेचारा, बिल्कुल ही नीवे दाव लेके रहता है, जिंदगी में मर के रहता है, कोई कुछ भी कहे तो कह ले, जो तेरी इच्छा कह ले। आहा, भगवान जी फरमा रहे हैं, याद करवा रहा हूं मेरी देवियों मेरे सज्जनों के, महाराज जी के कल्याण के अधिकारी कौन, जो विनम्र हो चुके हैं, जो अकड़े हुए नहीं है, अकड़ा हुआ रजोगुणी होता है, अकड़ा हुआ बड़ी मार खाता है, विनम्र व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान जी बहुत प्यार करते हैं। आहा, जो झुक ही गया, जो नीमा दाव ले गया, हमेशा झुके हुए के पास ही भक्ति आती है, अकड़ फूंक के पास तो भक्ति नहीं आती, हंकार आता है। और आपने बचपन से सुना होगा, हंकारिया सो मारिया, प्राइड हैज ए फॉल, गरूर का सर क्या बोलू, नीचा। हाय वे हाय, कितनी अच्छी कहावत है मेरी भगवती, गरूर का सर नीचा, उसको बुरे दिन देखने पड़ते हैं जिनमें गरूर होता है, जिनमें अहमपना होता, जिनमें बड़प्पन होता है ज्यादा, चाहे गली में देखो, मोहल्ले में देखो, चाहे अपने भारत के इतिहास को देखो, है जिनमें अहम पाना था मारे गए, वो भगवान के काबिल नहीं हो सकते ना। कई की बातें मुझे महापुरुषों की बड़ी अच्छी लगी है जो मेरे मन में बैठ गई है। लो, एक मैं सुनाता हूं बाइबल की बात, अंजील की बात, अपनी भाषा में हम अंजील कहते हैं, अंग्रेजों की गीता बाइबल, उनमें एक लाइन आती है, उनमें इतनी बड़ी तो फिलॉसफी है नहीं, छोटे छोटे बोल है, जैसे मैं कह रहा हूं, ईसा कहती हैं, ये मैं मान सकता हूं, ध्यान देना जरा, ये मैं मान सकता हूं कि सुई की आंख में से ऊंट सवार समेत निकल गया,
ऊंट सवार समेत निकल गया, ये मैं मान सकता हूं। वारे ईसा वाह। फिर देखो बाइबल क्या उनकी बोलती है, तो हमारी गीता है, उनकी भी गीता लो। ये मैं मान सकता हूं कि आग की छेद में से ऊंट सवार समेत निकल गया, ये नहीं मैं मान सकता एक धनाढ्य अहंकारी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर गया। कहने का ढंग देखो, कहने का ढंग देखो कि अहंकारी सेठ व्यक्ति स्वर्ग में पैर रख गया, ये नहीं मैं मान सकता। कईयों पर इस छोटी सी पंक्ति का बड़ा भारी असर हुआ। यानी का ढंग बड़ा कमाल का है कि वो सेठ और वो अहंकारी वो परमात्मा के दरबार में जा नहीं सकता। शाबाश। कितनी जीवनियां आपने पढ़ी है अनुभवी महापुरुषों की, कितने भी नंबर हो गए थे, कितने ही झुक गए थे, बड़े भी नंबर हो गए, बड़े ही झुक गए थे। भगवान ने फिर उनकी पग पग में रक्षा भी की, चाहे हमारे प्रातः श्रमणी या संत श्रमणी तुलसीदास जी थे, चाहे हमारे सूरदास थे, चाहे अपनी आंखें निकाल लेने के बाद बिलवा मंगल जी थे, आए खाए आए खाए आए खाए, चाहे भक्त कबीर थे, चाहे हमारे नरसिंह भगत थे, चाहे भगत एकनाथ जी थी, ओय होय ओय होय ओय होय ओय होय, ओवरफ्लो करती थी उनमें, क्या विनम्रता। ओवरफ्लो अपनी भाषा के शब्द लें, पानी हो 2 किलो की सुराही डाल दो, 3 किलो 4 किलो तो क्या होगा, छलकना, पानी छलक के बाहर आएगा, क्योंकि उसमें तो पानी 2 किलो आता है, आपने 4 किलो डाल दिया तो बाकी पानी छलकेगा। तो विनम्रता अनुभवी महापुरुषों में छलकती है, ओवरफ्लो करती है। मेरे सजनों मेरी देवियों, तब भगवान बड़े खुश होते, किसने अपने आप को जीते जी मार दिया है, जीते जी खत्म कर दिया, मर के तो जहान मरता है, हाय, पर जिंदगी में महापुरुषी मर जाते हैं। आ जिंदगी में जी 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 जो विनम्र हो जाते हैं। गांधी जी को गोलियां लगी, शरीर भगवान का नाम लेते हुए छोड़ दिया, लोगों ने श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी, मैं भी एक सभा में खड़ा हुआ कोने में उस श्रद्धांजलि को सुन रहा था, उन दिनों में स्टूडेंट था। एक उठे कवि जो उनकी श्रद्धांजलि है शायद मुझे 100 जन्मों में नहीं भूलेगी, बस आपे से बाहर हो गया, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को पता नहीं खंबा था या क्या चीज थी पकड़ के संभाल लिया, मैं बिल्कुल ही अब नॉर्मल हो गया ये उसके शेर सुन करके। वो कवि कहता है, कभी नहीं भूल सकता मैं, बापू तुझे क्या श्रद्धांजलि दूं, तेरी इतनी हमारे पर दया और इतना भारी उपकार है, कोई शब्द नहीं, हमारे पास प्रेम तो है पर शब्द कोई नहीं, फिर भी आज श्रद्धांजलि देने का अवसर आया है तो दिए बिना मैं रह भी नहीं सकता। क्या देता है श्रद्धांजलि, बापू उसे 3 बार बुलाया अपने बापू को, प्यारे बापू, हमारे बापू, प्यारे बापू, अभी मुझे याद है और ये कब की बात है, प्यारे बापू, हाँ हमारे बापू, बापू भारत के बापू, जी के मरना तो सबको आता है, जिंदगी रहती है मरना तो किसको नहीं आएगा, मर जाएगा, जी के मरना तो सबको आता है, पर तूने कितने उपकार किए, मर के जीना सिखा दिया तूने, तो बापू हमेशा अमर रहेगा। मर के जीना, कि इंसान मर के कैसे जीता रहता है शताब्दियों तक, वो तू सिखा के जा रहा, ध्यान देना, मर के जीना, जी के मरना तो सबको आता है, हाय होय हाय, जी के मरना तो सबको आता है पर मर के जीना सिखा दिया तूने, कि इंसान का शरीर मर जाता है, उसके उपकार, उसका उपदेश उसे बनाए रखता है। महापुरुषों की विनम्रता, महापुरुषों का दिव्य प्रेम, मेरे सजनों मेरे देवियों, अब कौन कहेगा अनुभवी महापुरुष चले गए, कहां चले गए, 5 तत्वों का शरीर तो चला गया पर उनका ज्ञान हमारे पास है, उनका प्रेम हमारे पास है, उनकी भक्ति हमारे पास है,
हाँ कौन ऐसा नालायक होगा जो ये कहकर मीरा चली गई, नहीं मीरा मेरी छाती में है, मीरा मेरे मन में है, मीरा का दिव्य प्रेम हमारे अंतःकरण में है, मीरा जा नहीं सकती। गुसाई जी जा नहीं सकते, रामायण की एक एक शब्द, रामायण की एक एक चौपाई हमारे अंतःकरण पे बड़े मोटे अक्षरों में अंकित है, गुसाई जी नहीं जा सकते। गुसाई जी घर घर में रामायण के रूप में विराजमान है, घर घर में रामायण के रूप में विराजमान, वो कहां जा सकती है। अब ऐसे व्यक्तियों का शरीर तो गया, पर जिस कारण से उन्होंने शरीर लिया था वो कारण तो हमारे पास है, वो भला कहां जाएंगे। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, वो भला कहां जाएंगे। शाबाश, गोपियां आई, शिकायत की हमारी यशोदा मैया को, आज तो हम बहुत तंग हो गई हैं, क्या पहले तो ये चोरी करता था माखन की, अब तो मटकियां फोड़ने लग गया है, ये नियम से सहन होता, हमारे पतिदेव कब तक सहन करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लगभग सब गोपियां आई हैं और उलाना दे रही हैं यशोदा मैया को। कब तोड़ी उसने, अभी थोड़ी देर पहले हम भर के आ ला रही थी प्रगट से, और रास्ते में ये और इनके सारे शैतानों ने हां तोड़ दी सारी मटकियां। कितनी देर पहले, अभी तो तुड़वा के तो आई है, एक को, दूसरे को, तीन को, चार को घसीट लिया। दुर्योधन अंदर आओ, अंदर आओ, क्या अंदर आके देखे, अंदर आओ। कन्हैया बैठा मक्खन खा रहा, जरा वो देख लो। हाय दैया, कन्हैया हाँ, अरे तूने अभी तो तोड़ी थी। मैंने, देख लो मैया, मैं कब का आपके पास बैठा भोजन कर रहा हूं। भगवान की विनम्रता, उधर उनकी भावना पूरी कर रही है, इधर मां की भावना पूरी कर रही है। आप लोग इधर संसार की भावना पूरी करती हैं और कन्हैया की तरह उधर भगवान की भावना भी पूरी करती है। घर में आप अच्छे बाप भी हैं, घर में आप अच्छे पति भी हैं, घर में आप अच्छे भैया भी हैं और एक अच्छे पड़ोसी भी हैं, पर साथ ही साथ मेरे भगवान के लाडले भक्त भी है, लाडले प्रेमी भी है। इसे कहती हैं सजनों और मेरी देवियों, लोक परलोक दोनों बना लेना। इसे कहती हैं एक तीर से दो शिकार खेलना, एक तीर से दो शिकार, जियो जी। ये भगत ही खेल सकता है और कोई नहीं। कहावत तो हमने सुनी थी बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में, एक तीर से दो शिकार, पर जब महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा तब पता लगा वो लोक भी सवार गए परलोक भी सवार, एक तीर से दो शिकार खेल गए। नरसी की जीवनी पढ़िए साबित हो रहा है, कबीर जी की जीवनी पढ़िए चरितार्थ हो रहा है, हाय गुसाई जी की जीवनी पढ़िए बिल्कुल चरितार्थ करके गए, वाह एक नाथ की जीवनी पढ़िए एक तीर से दो शिकार, वाह वाह वाह। और यही अब आपने अपने ऊपर ले लेना है, भगवान के साथ विनम्र होके रहिए, संसार में अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। भगवान आपको कर्तव्य करना रोकते नहीं है, पर भगवान कहते पहले तरीका मेरे से सीख लो, पहले भगवान से उपदेश ले लें, उसके बाद हम अच्छा व्यवहार करेंगे। कितनी छूट दी है हमारे प्रभु ने, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, ये लोक बन गया और इधर मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम परलोक बन गया। दोनों ही साइड बाई साइड, जैसे मेरे सामने रेलवे लाइन, दोनों पैरल जा रही हैं, दोनों समान अंतर पर जा, समान अंतर पर भागी जा रही हैं। इस तरह समान अंतर पर आपका लोक परलोक दौड़ता पैरल जाता, बहुत बड़ा उपकार है भगवान जी का हम सब पर, बहुत बड़ा उपकार। मेरे से पूछा जाएगा भगवान के अवतार का सबसे बड़ा उपकार गीता, जो हमें गीता जी दे गए। आह आह आह, सवेरे पहले आरती होती है, कभी आप आए होंगे जरूर, उसके बाद फिर भगवान जी के गीता की महिमा के गीत होती है, भगवान की महिमा के और गीता की महिमा गीत हो, उसके बाद फिर भाषण चलता, फिर हम गीता जी सुनते हैं, उसमें गीत चलता है, कभी जबानी याद कर लेना। क्या आह, ती
तीन लोगों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। तीन लोगों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। गौर करना, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, क्योंकि पूरी कलाएं लेके आया, 16 कला संपूर्ण भगवान का अवतार, कलाएं केवल 16 होती है बेटे, 16 कलाएं मैंने कई बार लिखवाया है और उसे लिख लो, इसी जबानी याद कर लो, 16 कलाएं लेकर के भगवान अवतार लिया। तो एक तो अवतार तुम्हारा कम ही था, पूरी अवतार आपने पूरी कलाएं लेके आए, लिखना जरा। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था है, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया है। तीन लोगों के माली की होते हुए कहां त्रिलोकी की बागडोर और कहां एक चार घोड़ों की बागडोर, इसे कहती है हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत न तारे। तीन लोगों के माली की होते हुए कितनी विनम्रता, कितनी विनम्रता, दृष्टान दे रही है क्या विनम्रता में क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आने वाले भगत मेरे से शिक्षा प्राप्त करें। करुणा में अंथक लगातार काम तो रुक जाए, धंधे तमाम करें वो भी ना कोई काम, अर्जुन मैं दूसरों के लिए करता हूं, वरना देख मुझे देख तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफी का, मैंने कुछ देना नहीं लेना नहीं, फिर मैं क्यों लगा रहता हूं। आने वाले हमारे जैसों के सामने आदर्श पेश करने के लिए, यही उन्हें कर्म योग में कहा है कि आने वाले भक्तों के लिए मुझे आदर्श देना, मुझे एग्जाम्पल बन के रहना, ताकि वो भगवान से प्रेरणा लेके बढ़ चले। कितनी विनम्रता। तीन लोगों के मालिक होते हुए है रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। अवतार का सबसे बड़ा लाभ गीता उपदेश, अवतार का से सबसे बड़ा कल्याण गीता उपदेश, अवतार के से सबसे बड़ा वरदान गीता उपदेश। शताब्दियों तक भारत गर्व करता रहेगा गीता के उपदेश पर, शताब्दियों कह रहा हूं मेरी देवियों, बहुत बड़ा उपदेश। जी में आता है मैं योग्य बन जाऊं, भगवान कहते बनना फिर प्रभु, कैसे हंकार रह जीवन बना ले, इस गंदी वृत्ति ने जीवों का मूली कुतरा करके रख दिया, काल का ग्रास बन जाता है जीव जब अहंकारी हो जाता है दुर्योधन की तरह। क्या दुर्दशा हुई दुर्योधन की, क्या दुर्दशा हुई रावण की है, क्या दुर्दशा इनकी देख लीजिए, रावण के लिए आज भी बोल करके थूकती हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, लंसा कोट समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई, ऐसा मिटिया मीट करके रख दिया। और दुर्योधन अपने आप को 30 मार खां समझने वाला, अपने आप को सब कुछ समझने वाला, इस तरह कुत्ते की मौत मरता है, तरस तरस के भगवान ने उसे मारा। अहंकार का कितना बेड़ा गर्क होता है,
जब जब जिस जिसने अहंकार किया आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा बड़ा गर्क हुआ, और जो भगवान के नाम पर विनम्र हो गए, आए गए कितने विनम्र हो गए कि हमें भी प्रेरणा दे गए, हमारे लिए भी नक्शे कदम छोड़ गए। बहुत बड़ा उपकार है ओ मेरी देवियों। देख लो मीरा का कितना बड़ा उपकार और कितनी विनम्र। कर्मयती बाई की जीवनी पढ़िए, सुखो बाई की जीवनी पढ़िए, हाय पढ़ो पढ़ो बहुत कुछ मिलता है। मुसलमानों में रबिया की जीवनी पढ़िए, ओए 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 ओए, जैसे हिंदुओं में मीरा बहुत ही लोकप्रिय है, इस तरह मुसलमानों में मुसलमानों की मीरा रबिया थी, मुसलमानों की मीरा रबिया। छोटा सा ग्रंथ मिलता है नारी भगत, अपनी लाइब्रेरी से लीजिए या अपने घर में रख लो, केवल 5 आने की तो किताब है वो। उसमें एक जीवनी है रबिया की, कैसे अपने भगवान को खुश करती है अपने भावों और अपने विचारों से, कैसे महाराज जी को खींच लिया अपने पास, कितनी विनम्रता। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, अगर कुछ कमी आए तो अपने अंतर्यामी से मांगो, प्रभु मैं भी विनम्र होकर रहूं। कोई दास सुना देती है सुना लेने दो, कोई कठोर शब्द कहती है कह लेने दो, कभी श्रीमानी जरा आप से बाहर जाते हो जाने, जो कुछ बनता है बन जाने दो ना, आए मैंने परलोक नहीं बिगाड़ना, लोग तो कोई बात नहीं, मैंने इस जन्म में परलोक नहीं बिगाड़ना, ना 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 ना, आहा मैंने परलोक नहीं बिगाड़ना। ये मन में ऐसी धुन सवार हो जाए कि आपकी बार तो मैंने परलोक बना ही लेना है, आपकी बार तो परलोक मैंने बना के जाना है, शाबाश शाबाश शाबाश, ये तो मैंने बनाना ही है। गुरु ग्रंथ साहब का ये बोल आप सब पे लागू होता है, बाहा पकड़ कड लीने जन अपने, कितने साधारण शब्द है, साधारण शब्द बेटे, भगवान अपने प्यारों को जिनका प्रलोक बनना होता है, बाहा पकड़ बाजू पकड़ करके निकाल लेते हैं, बाहा पकड़ कड लीने जन अपने, कहां से गृह अंध कूटते माया, जो ग्रस्त आश्रम अंधे कुएं की तरह है उसमें से बाजू पकड़ के वो अपने प्यारों को निकाल लेते हैं। बाहा पकड़ कड लीने जन अपने गृह अंध कूप, ग्रस्ती क्या है अंधा कुआं, जिसमें पानी तो है नहीं, अंदर सांप बैठी है बिच्छू बैठी है जो मारने के लिए डंक मारने के लिए तैयार, आयकर ग्रस्त आश्रम में सुख तो है नहीं, 3 प्रकार के दुख सांप और बिच्छू की तरह है दुख देने के लिए, शारीरिक मानसिक और पारिवारिक या समाज, पर जिनके भाग अच्छे होते हैं भगवान उनको निकाल लेते हैं। है हाँ, भगवान ने जरा गीता में इसी इन्हीं जो बापू ने जरा साधारण शब्दों में कहा, भगवान ने जरा फिलॉसफी के शब्दों में कहा, मेरे वास्ते खल्क यक्षा सब न इससे मुहब्बत न उससे गजब, मेरा कोई विशेष प्रेमी नहीं, मेरा कोई विशेष द्वेषी नहीं, द्वेषी द्वेष करने वाला है, सारों को मैं पिता हूं ना परम पिता हूं, मुझे सारे बराबर है। आगे देखिए जरा भगवान क्या कहते हैं, मेरे वास्ते खल्क यक्षा सब न इससे मुहब्बत न उससे गजब। कोई मुकरना भगवान से सीखे कैसे मुकरा जाता है, मगर वो जो पूजे बसिद को यकीन, लिखो जो दिलो जान से मेरे लिए जुट गया लग गया, दिलो जान से जिसके लगन लग गई है भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाने की, मगर वो जो पूजे बसिद को यकीन, वो मुझ में और मैं हूं उनमें मकी, वो मुझे खींच लेती है और निराकार से साकार बना के रख देती है। निराकार से साकार बनाया तेरे भक्तों ने, निराकार से साकार बनाया तेरे प्रेमियों ने, निराकार से साकार बनाया तेरी मीरा ने, करमैती बाई ने। भगवान मजबूर हो गए एक नौरानी रूप रखकर दीदार देने की,
परमात्मा करे ऐसी विनम्रता हमें भी आ जाए, हम भी दिल के सच्चे इरादा के पक्के हैं, हमारे भी ये गुण भगवान जी हमारी सच्चाई को देखकर हमारी लगनता को निहार कर प्रदान कर दे। भले ही आप ग्रस्त आश्रम में हैं, भले ही आप कुछ कुछ जिम्मेवारियों में हैं, पर आपने लगन तो है ना, आप अपना कल्याण करना चाहती हैं ना, भगवान आपको ये वरदान दे दे विनम्रता का, बिल्कुल विनम्र। मालिक मेरी बड़े खुश होती हैं विनम्र व्यक्ति पर, बड़े प्रसन्न होती हैं विनम्र व्यक्ति। महाभारत में एक छोटा सा दृष्टांत आता है, थोड़े से शब्दों में सुना के अपने कर्तव्य को पूरा समझूंगा। सागर ने एक बार गंगा से कहा, अरे गंगा एक मुझे प्रश्न का उत्तर दे। पिता मैं तो आपकी बेटी हूं, आपसे निकल के जाती हूं, आपके सेवा करके आपके में समा जाती हूं। क्या? अरे तेरे में इतनी ताकत है तो बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष गिरा कर मेरे में ले आती है, पर बैत क्यों क्यों नहीं ले आती? क्या बैत है किरारी नहीं? तो बैत का वृक्ष आप जानते ही हैं, लंबे लंबे, उसको क्यों नहीं लाती? परम पिता मुझे क्षमा करो, लाएगी अगली बार। नहीं परम पिता, हरि इनकार कर रही है, मैं क्षमा चाहती हूं, मैं सिर झुकाती हूं, मेरे में ताकत ही नहीं उसको लाने की। क्यों? तेरा तो वेग है प्रचंड है, प्रचंड वेग, अर्थात जो किसी से सहारा ना जाए, शब्द कितना अच्छा अपने भारत का, प्रचंड, तेरा वेग तो प्रचंड है फिर भी तो नहीं ला सकती। अगर मोटे मोटे वृक्षों गिरा करके ला सकती है तो उस पत्र से बेत के वृक्ष को नहीं ला सकती। बेत का वृक्ष ईख की तरह होता है, एक ईख होता है जो सहारनपुर में होता है, वो मोटा ईख नहीं पतला ईख, जिसकी कलमें बनती हैं, जो काने की तरह जो ईख होता पतला पतला, उसको नहीं ला सकती। क्या बात, तेरे में ताकत नहीं है? फिर प्रभु सुनिए मेरी बात, मैं मजबूर हूं, जब मैं मोटे मोटे वृक्षों साथ अटकती हूं तो वो अकड़े रहती हैं, और मजा कर ले क्या कर सकती है हमारे, क्या कर लेगी? फिर मैं पीछे मुड़कर उनसे टक्कर खाकर पीछे जा करके जोर से आती हूं वृक्षों के साथ, फिर वो अकड़े रहती है, कर ले क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ी हमारा। फिर आप पीछे अड़ के तीसरी बार उनको गिरा मारती, उनके अहंकार को चूर करती हूं, लेकिन जब एक बार वेग में देती हूं बैत वृक्ष के साथ, वो लिफ्ट जाता है और सिर झुका देता, मुझे दया आ जाती, मैं प्यार कर लेती हूं मां बन के, मैं उसको नहीं गिरा सकती। हाय ओए हाय ओए हाय ओए हाय, वो तो पहले झुक जाता है और मेरे चरणों में शीश रख देता है, मैं उसको कैसे गिराऊं, वो तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अकड़े को तो मैं गिरा सकती हूं, पर झुके हुए को मैं कैसे गिरा? सागर ने कहा, गंगा मैं यही उत्तर सुनना चाहती थी, जाओ तो मैदानों में जब जाओ तो अपने में स्नान करने वालों को ये उपदेश दे देना कि विनम्र, जो विनम्र है उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, जो अकड़े हुए हैं उनका बिगड़ जाएगा। अनुभवी एक महापुरुष शरीर छोड़ने लगे, उनकी शिष्य मंडली को पता लगा कि हमारे महाराज जी शरीर छोड़ने जा रहे हैं, घेर लिया उनको, महाराज जी आपका समय आ गया। हाँ मेरा समय आ गया, मैं अब जाने वाला हूं, वैसे तो आपने हमें बहुत ही उपदेश दिया, अपना रहे गए, अंतिम उपदेश दे जाइए, जरूर जरूर दूंगा। दो तीन शिष्यों को जो उनके पक्त शिष्य थे, पुराने शिष्य थे, बुलाया, नजदीक आओ मेरे, हाय सुनना जरा गौर से, मेरे पास बड़ी मीठी मीठी बातें हैं महापुरुषों की, नजर ना लगाना, बहुत मीठी बातें मेरे पास, मेरे पास आओ। आ गए, अपनी उंगली धोके आओ, धोके आए, मेरे मुंह में उंगली लगाओ, लगाई, क्या कोई दांत नजर आता है? महाराज जी एक भी दांत नहीं, आपका सारा मुंह तो फद्दा हो गया है। हां मेरी बड़ी उम्र हो गई है, मेरे सारे दांत गिर गए हैं, लेकिन हाथ रखो, जीभ है ना, है तो जो तो दांत की तरह अकड़े हुए होती है, सख्त होती है,
उनको मानक गिरा देती हैं। जो जीव की तरह विनम्र होती हैं उनको कोई नहीं गिरा सकता। जो जीव की तरह विनम्र होंगे आए आए वो रहेंगे, जो दांत की तरह सख्त होंगे। हमारे दो प्रकार के दांत हैं, अगले दांत काटते हैं, इन अंग्रेजी में कटर बोलते हैं बेटे, ये कटर है और पिछले ग्राइंडर है, ये पीसते हैं। ओए 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 ओए, ये कटर और पिछले ग्राइंडर जो चक्की की पुड़ की तरह बने हुए हैं, ये ग्राइंडर हो गया, ये काटते हैं तो ये भी काटती है, वो पीसती है, तो भगवान इनको गिरा देता है। सख्त है ना, जालिम है, तो सख्त और जालिम कभी नहीं रहता। जीव की तरह जो विनम्र और नरम होता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। दोनों दृष्टांत मैंने आपकी झोली में डाल दिए। सागर ने गंगा से कहा, सब वृक्ष क्यों लाती है, तो दो बैद के वृक्ष को ही लाती, क्या करूं, जब मैं वेग से उसके नजदीक पहुंचती हूं तो वो झुक करके मेरे कदमों में गिर जाता है, मेरे चरणों में गिर जाता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं नहीं गिरा सकती, मैं उसे अपना बेटा समझ लेती। ठीक है, और अनुभवी महापुरुष का अंतिम उपदेश, दांत की तरह सख्त बन के ना रहना, उखड़ जाओगे, जीव की तरह विनम्र बन के रहना, आखिरी सांस तक बने रहोगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण।
बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।